नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा था और इस वाले वीडियो में भी आज हम फिर से बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में खास तौर से पूछे जाते हैं। तो चलिए, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है ना। तो कई बार मतलब पूछ लेते हैं कि भाई बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया, तो वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया ही है जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया, वो था धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर कितने तथा कौन कौन से थे? तो बौद्धकालीन जो प्रसिद्ध नगर हैं वो थे, 6 नगर थे। कौन कौन से? साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगृह और श्रावस्ती। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संस्थागार शब्द का तात्पर्य क्या था? तो बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त जो संस्थागार शब्द था, संस्थागार, उसका तात्पर्य था राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। देखिए, मखली गोसाल ने की थी। और महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? वो था आपका कौशल महाजनपद। बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंदर आता था? वो था आपका मल्ल गणराज्य। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो बुद्ध काल में वाराणसी हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? तो बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कोहक कहलाते थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? होता सभी वस्तुएं क्षणशील, मतलब क्षण भंगुर होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? वह था आपका बोधगया। और बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कालिक तथा तपासु। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट अशोक थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ थी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? निर्वाण। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? वह है मथुरा में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया था। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रमाणिकता को नकार दिया था? वेदों की प्रमाणिकता को किसने नकारा था? महात्मा बुद्ध ने नकारा था। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पर वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।